नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण विभाग देखने जा रहे हैं। इस व्याकरण में हम कारक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कारक मतलब मराठी में इसे विभक्ति कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन अब कारक मतलब क्या? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के कुल मिलाकर 8 भेद हैं। वे कौन कौन से हैं? वहां हम अच्छी तरह से कैसे ध्यान में रखेंगे यह अब हम देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि कारक के कौन से भेद हैं और कितने भेद हैं। ठीक है, हम देखते हैं कारक के भेद। कुल मिलाकर कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। देखिए बच्चों, कौन कौन से और कैसे ध्यान में रखना है। देखिए, कितने हुए? देखिए कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने क्या बताया? 8 कारक है और एक कारक है क क क स अस। एक बात ध्यान में रखिए, स जितने भी हैं, जितने भी स है उसी पर अनुस्वार दीजिए। जितने भी स है उस पर अनुस्वार दीजिए। अब देखिए कौन कौन से कारक है। देखिए, पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। देखिए कितने कारक है कुल मिलाकर? 8। लेकिन ये जो क्रम है, सीक्वेंस है, यह आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि संबंध की जगह आप संप्रदान लिखेंगे, संप्रदान की जगह पर संबोधन लिखेंगे, ऐसा न हो, या अपादान की जगह पर अधिकरण, अधिकरण की जगह अपादान, ऐसा भी न हो। ठीक है, तो यह क्रम हमें ध्यान में रखना है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, एक 8 कारक है। अब इनके हम परसर्ग देखते हैं, या उसे विभक्ति भी कहा जाता है। परसर्ग कौन कौन से है इसके? देखिए, ये क्या है? कारक भेद है और ये इसके परसर्ग है। कौन कौन से परसर्ग है और इन्हें किस तरह से हम ध्यान में रखेंगे यह भी मैं आपको बता रही हूँ। परसर्ग कर्ता का पहला है शून्य, शून्य और नहीं, शून्य और नहीं। दूसरा है को, कर्म का। करण का है से। संप्रदान का है को और के लिए संप्रदान का है। अपादान का ने को, से को, से। संबंध का है का, की, के, अ, रा, री, वे। अधिकरण का है में, पर। असंबोधन का है, अरे, अजी, है ना, आदि इसके हैं। देखिए, माँ कभी भी कहते हैं ना पिताजी, अजी सुनते हो? इस तरह से मतलब संबोधन करती है, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने ध्यान में रखा कि कर्ता के, सॉरी, कारक के कितने भेद हैं और कैसे हैं। कुल मिलाकर 8 है, ये हमने ध्यान में रखा। अब परसर्ग भी उसी
बता दिए मैप पर है अजय। यहाँ पर एक को ही हमने कहा है और नीचे जो तीन है उसके बहुत सारे है, जैसे काफी रहे संबंध दर्शन वाले है मैप और है अजय। अब एक बात आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर ने या शून्य, शून्य मतलब होता है नहीं, यहाँ पर ने यहाँ पर ताकि के रागी है मेप और हे अरे अजी, इन चारों के मतलब कर्ता संबंध अधिकरण और संबोधन ये तो हम झट से पहचान लेंगे क्योंकि इनके वही परसर्ग है या विभक्ति है। हाँ गलतियां कहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि को यहाँ पर भी है और को यहाँ पर भी है, मतलब को कर्मकारक भी हो सकता है को संबंधन कारक भी हो सकता है, बराबर से कर्म कारक भी हो सकता है से अपादान कारक भी हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे हम उसे, यह भी हम देखते हैं। देखिए क्रम से ही जाते हैं, यहाँ पर शून्य या में कर्ता कारक होगा, शून्य मतलब होगा ही नहीं। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, देखिए यहाँ पर इस वाक्य में एक भी कारक नहीं है, मतलब ने को से के लिए से ताकि के राधी दे में पर आए अजी में से एक भी यहाँ पर प्रसंग आया नहीं हो, बराबर। तो ये जो है मतलब शून्य है, ऐसा वाक्य आपको आता है तो आप कहेंगे यह कर्ता कारक है, समझ गए बच्चों। अब इसी में ही ने है, राम ने पत्र लिखा, देखिए या फिर आप कौन सा भी नाम लिख सकते हैं, राम ने पत्र लिखा, देखिए यहाँ पर ने क्या हुआ कर्ता कारक ही हो गया, समझ गए शून्य मतलब क्या और ने मतलब क्या। तो इस तरह से जहाँ पर नहीं होता मतलब कारक ही नहीं होता वह कर्ता कारक ही होता है, और जहाँ ने होता है वह क्या होता है कर्ता कारक होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम कर्म कारक, कर्म और किसमें है संप्रदाय को है ना, कैसे पहचानेंगे वह कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। तो देखिए संप्रदान प्रदान करना दूसरों को देना दे देना के लिए दूसरों के लिए, इस आशय से जब वह वाक्य होता है तब वो जो कारक आता है वो होता है संप्रदान, नहीं तो वह कर्म कारक होता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यह क्या हुआ कर्म कारक हुआ, बराबर। लेकिन को दूसरों के लिए, दूसरों के लिए इस आशय से जब भी वाक्य बनता है तब वह होता है संप्रदान। जैसे कि सीता ने गीता को कलम दे दी, सीता ने गीता को कलम दे दी, या सीता ने गीता के लिए कलम खरीदी, इस तरह से ये जो दूसरों के लिए जो तेरे का भाव उसमें होता है उसी वक्त जब को आता है वह होता है संप्रदान, नहीं तो वह कर्म कारक होता है। यह बच्चों ध्यान रखिए को में कौन सा फर्क है समझ के, के लिए से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला देखिए करण कारक से, अब यहाँ पर भी से है और अपादान के लिए भी से है, तो यह हम कैसे ध्यान में रखेंगे। करण जब करण मतलब साधन, ध्यान में रखिए साधन, जब भी साधन होता है वाक्य में जब साधन के रूप में से आता है तब उसे हम करण कारक कहेंगे। जैसे कि माँ छुरी से फल काटती है, फल काटने का साधन छुरी है, बराबर। माँ छुरी से फल काटती है, पिताजी रेल से गांव जाएंगे, साधन कौन सा है रेल का साधन है, बराबर। गीता कलम से लिखती है, कलम यहाँ पर क्या आया
रहा है। पेड़ से फल नीचे गिरा, फल कहाँ पर था? पेड़ पर था, लेकिन पेड़ से वह क्या होगा? हुआ दूर, हुआ अलग हुआ। पेड़ से फल नीचे गिरा, यहाँ पर जो से आता है वह क्या होता है? अपादान कर। बंदूक से गोली छूटी, बंदूक से गोली छूटी, गोली किसमें थी? बंदूक में थी। अब उसे चलाने के बाद ये जो गोली है वह दूर गई, मतलब दूरता स्पष्ट हुई। इसी कारण यहाँ पर जो से कारखाया हुआ है वह अपादान का हुआ। समझ रहे बच्चों? दोनों में कौन कौन से फेरे एक जैसे है, इसी तरह हमें समझ लेना जरूरी है। यहाँ पर कब का रंग होगा? अगर किसी के लिए करने की भावना है तो वहां पर संप्रदान होगा। यहाँ पर साधन होगा से, और यहाँ पर अलवा स्पष्ट करेगा से। बाकी देखिए संबंध, किसी का संबंध दर्शाते हैं तो राम के नाना जी, राम के नाना जी, इस तरह से। राजा का महल, काकी की साड़ी, काकी की साड़ी है। साड़ी का संबंध किससे है? काकी से है। महल का संबंध किससे है? राजा से है। यहाँ पर राम के नाना जी है, उसी तरह से मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारे, हमारे, ये भी काकी के दादे सभी किसमें आएंगे? संबंध। मेरी किताब, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार है ना, राधी रे, ये क्या है? कार्य की है, ध्यान में रखिए। समझ गए बच्चों? अगला देखिए मैं ऊपर, यहाँ पर किसी स्थान का, जगह का है ना, मतलब इसका ही यहाँ पर अधिकरण कारक से संबंध होता है। देखिए घर में, नाव पर है ना, ये अलग ही है। इसी तरह जहां पर भी मैं आएगा, पर आएगा, तो वहां पर अधिकरण कारक ही है, ऐसा हम समझ जाएंगे। अगला है संबोधन, हम किसी को पुकारते वक्त जो भी बोलते हैं वह संबोधन में आता है। अरे क्या कर रहे हो? अरे है, कहाँ जा रहे हो? इस तरह से। और अजय का तो मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया है। इस तरह से ए जो कारक है यह कारक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें पहचान भी सकते हैं। देखिए इन कारकों में बच्चों, यहाँ पर यह जो संबोधन कारक है यह पहले आ जाएगा, हम संबोधते हैं पहले ही संबोधते हैं, इसी कारण यह पहले आ सकता है। ठीक है, तो ये सभी कारक उसके प्रसंग और उसके एक एक उदाहरण हम देखते हैं। देखिए बच्चों, अब फलक पर मैंने कारक के भेद, कारक के चिन्ह और उसके जो वाक्य है यह हम लिख कर दिए हुए हैं। देखते हैं फिर से एक बार किस तरीके से ये है। पहला है कर्ता कारक, उसका कारक चिन्ह मतलब परसर्ग वह है ने। देखिए रोहित ने पत्र लिखा, यहाँ पर ने आया हुआ है। दूसरा है कर्म कारक, उसका कारक चिन्ह है को। वाक्य है राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ पर को युग क्या आया हुआ है? कर्म कारक। तीसरा है कर्म कारक से या के द्वारा, ठीक है, मतलब साधन जो मैंने कहा था वो। गजानन बस से विद्यालय जाता है, कर्म मतलब साधन है, इसी कारण बस यह क्या ही साधन के रूप में आई है। तो गजानन किससे विद्यालय जाता है? बस से विद्यालय जाता है। अगला है चौथा संप्रदान कारक, को या के लिए। मैंने यहाँ पर को नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी को है, यहाँ पर को है, लेकिन आप ध्यान में रखिए यह के लिए के अर्थ में है, के लिए के अर्थ में है, यह ध्यान में रखिए। संप्रदान को या के लिए, माँ ने प्रथमेश को आम दिया, प्रथमेश को आम दिया। अपादान कारक से, यहाँ पर से साधन है, यहाँ पर से अलगाव के अर्थ में है, अलग का स्पष्ट करता है। देखिए वनिता घर से निकल पड़ी, घर से निकली है मतलब दूर हो गई है ना। अगला है संबंध कारक,
का की के या का के की रारे री। देखिए यहाँ पर संबंध दर्शाता है पूजा की बहन सुषमा है। पूजा का और सुषमा का संबंध यह की दर्शा रहा है। ठीक है अगला देखिए यहाँ पर मैंने पिछले बार बताया भी है आपको कि राजा का महल है ना, रानी की साड़ी या चाची की काकी की साड़ी यह सब कुछ बताया है। तो यहाँ पर मैंने अलग से उदाहरण लिए। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में या पर। ठीक है मेहमान बगीचे में बैठे हैं। मेहमान बगीचे में बैठे हैं यहाँ पर मैंने एक एक ही उदाहरण दिया हुआ है। पर का क्या, मेज पर किताबें रखी है। मेज पर किताबें रखी है मतलब मैं पर अलग अलग आएगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगला है संबोधन। अंतिम जो है वह संबोधन का अर्थ है। किसी को हम संबोधते हैं तब क्या कहते हैं, वही मतलब संबोधन। अरे हे ओ अजी आदि आते हैं। तो देखिए इससे एक वाक्य है ईश्वर इन मूर्खों को बुद्धि दो, इस तरह से हम ईश्वर को ही पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर है यह जो है यह कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। देखिए परंपरा मैंने कारक उसके भेद और उसके वाक्य भी दिए हुए हैं। आप यह सभी अपनी किताब में लिख कर ले, साथ ही साथ यह भेद और ये जो विभक्तियां है या परसर्ग है इसके आप हर एक के दो दो उदाहरण आप स्वयं तैयार कीजिए। समझ गए बच्चों, धन्यवाद।